खने वाले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इज साइज बर्ड्सेंटीमीटर टू टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर सबसे छोटा बर्ड जो है दैट इज अराउंड फाइव सेंटीमीटर इट इज हमिंग बर्ड एंड जो सबसे बड़ा बर्ड है दैट इज अराउंड टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर इज पोस्ट रिच नेक्स्ट इज एक्टिविटी मोस्ट ऑफ दर्डर यानी जो दिन में एक्टिव होते हैं बट कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो रात में एक्टिव होते हैं बॉर्ड शेप like की की है, और स्ट्रीम लाइन शेप स्ट्रीम लाइन यानी तिरछी जब जो बर्ड्स हैं इनको फ्लाई करना होता है तो एयर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है अब जो हवा है उसमें अगर ये इस तरह की बॉडी से मूव करेंगे तिरछी बॉडी से मूव करेंगे तो ये एयर की फ्रिक्शन को चीरते हुए आगे मूव कर सकते हैं इजिली मूव कर सकते हैं तो इसीलिए इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन हो, हो गई है लाइक like एयरप्लेन उनको भी एयर में मूव करना होता है तो एयरप्लेन की जो बॉडी है उसकी स्ट्रीम लाइनिंग की जाती है ताकि वो इजिली एयर के फ्रिक्शन को काउंटर एक्ट करके मूव कर सके नेक्स्ट इज बॉडी डिविजन बर्ड्स की बॉडी चार पार्ट में डिवाइड होती है दैट इज हेड Neck, trunk, tail. जो इसकी नेक है वो दूसरे ऑर्गेनिजम के कंपैरेटिवली होती है। सिर्फ जो टेल रीजन होता है जो कि छोटा सा रीजन है उसके ऊपर कुछ ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड स्प्रीनिंग ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन एग्जोस्केलेटन मतलब बाहर वाली स्केलेटन जो है इट इज बेसिकली फैदरी एंड ये जो फैदर्स होते हैं ये कैरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं कैरेटिन प्रोटीन इनका काम क्या है फ्लाइट दिलवाना बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैदर्स इसके अलावा बर्ड्स की बॉडी में हीट को कंजर्व करके रखना और उनको इंस्यूलेट करना भी फैदर्स का काम है मोर ओवर Uh, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज पेर कैरेक्टर ऑफ क्लास एव्स फैदर्स प्रेजेंस ऑफ फैदर्स इज अ अक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ क्लास एव्स नेक्स्ट इज लिम्स टू पेयर ऑफ पेंटाटेक्टाइल लिम्स होती हैं हम क्या कर रहे हैं एव्स क्लास एव्स बिलोंग्स टू सुपर क्लास टेट्रापोडा मतलब जिनके चार पैर होते हैं चार लिम्स होती हैं अब ये जो चार लिम्स हैं इनको दो पेयर्स में डिवाइड करते हैं जो आगे प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड एस फोर लिम्स और जो पीछे होती हैं दे आर कॉल्ड एज हाइंड लिम्स तो टू फोर लिम्स होती हैं और टू हाइंड लिम्स होती हैं टोटल हो गए फोर फोर अब ये जो लिम्स होती हैं फोर लिम्स लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स फॉर फ्लाइंग इन केस ऑफ एव्स एंड जो हाइंड होती हैं दे कैन बी मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग रनिंग स्विमिंग बर्चिंग डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बर्ड इट इज अब देखिए जितने भी बर्ड्स हैं उनके फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं बट स्टिल सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते इवन उनके पास विंग्स होते हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन मतलब अंदर वाली जो स्केलेटन है इट इज मेनली बोनी एंड ये जो बोन्स होती हैं दे आर होलो अब देखिए जितने ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन बींग्स की जो बोन्स होती हैं वो अंदर से फिल्ड होती हैं सेल्स से इस तरह से होती है इसे बोलते हैं हम सॉलिड बोन्स बट एव्स के केस में क्या होता है जो बोन्स है वो अंदर से खाली होती हैं इसे बोलते हैं होलो बोन इस होलो बोन को ही बोल देते हैं न्यूमेटिक बोन अब ऐसा क्यों है एव्स के अंदर होलो बोन्स इसलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि जब एव्स को उड़ना है तो इनकी बॉडी का वेट कम होना चाहिए बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए इनकी जो बोन्स हैं वो न्यूमेटिक हो गई हैं लाइट वेट की हो गई हैं नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम और देखिए जो हैं में रहने वाले वो different type का फूड खाते हैं उनकी जो बीक की शेप है वो वो बताती है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं अगर उनकी बीक शार्प है हुक्ड है तो वो मीट ईटर्स होंगे लाइक हॉक आउल अगर उनकी बीक कौन शेप की है तो वो सीड ईटर्स हो सकते हैं लाइक like इसके अलावा खाना खाने के लिए खाना चर्न करने के लिए इनके पास टीथ नहीं होते दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जो खाना है वो माउथ में जाने के बाद एक बार क्रॉप में स्टोर हो जाता है फिर क्रॉप उसको ट्रांसफर कर देती है गीजर्ड में गीजर्ड में जाके इसकी चर्निंग होती है मैस्टिकेशन होती है अब फाइनली गीजर से ही आगे जाएगा और जो एलिमेंट्री केनाल है वो ओपन हो जाएगी बाहर बाय क्लोइकल इसका जो कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बर्ड्स के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनका जो इनकी बॉडी होती है उसके कंपैरेटिवली इनका हार्ट बड़ा माना जाता है इसके अलावा इनके पास स्ट्राइकॉल्व नहीं बना होता है और असेसरी चैम्बर लाइक साइनस विनोसस विनोसोस ये एबसेंट होते हैं नर्वस सिस्टम इसके नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन होता है ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं ऑप्टिक लॉब सैरिबिलम ये लार्ज साइज के होते हैं नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स इसका जो विजुअल सिस्टम है बहुत वेल well डेवलप्ड होता है आईज वेल डेवलप्ड होती है आईज के पास टेट्राक्रोमेटिक कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं कौन सेल मतलब जो कलर को डिटेक्ट करते हैं टेट्राक्रोमेटिक बोला यानी कि चार कलर्स को डिटेक्ट करेगा ये चार कलर को रिसेप्ट कर सकता है अब वो चार कलर्स क्या है अल्ट्रा वॉयलेट अल्ट्रा वायलेट यानी पर्पल वायलेट ब्लू रेड और ग्रीन रेडिएशन इनको ये सेंस कर लेते हैं इसके अलावा इनके पास वैस्कुलर पैक्टन पाया जाता है इनकी आइज में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये आइज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है देन डबल फोविया प्रेजेंट होता है फोविया सेंट्रलिस एक ऐसा रीजन है जहां पे मैक्सिमम फोकसिंग देखी जाती है आंखों में देन वाइड विजुअल फील्ड वाइड फील्ड ऑफ विजन है मतलब आ, बहुत सारा एरिया uh, ये एक बार में देख सकते हैं नेक्स्ट इंटरनल ईयर आईज हमने पढ़ ली नेक्स्ट इज ईयर इंटरनल ईयर होता है उसके पास कोकलिया है ऑर्गन ऑफ कोटाई होगा बट ये नॉन कॉइल्ड होता है और ईयर ऑसिकल सिर्फ एक पाई जाती है स्टेपिस पाई जाती है मैलियस और इंकस एबसेंट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी एंड ये किडनीज दो होती हैं अ पेयर ऑफ किडनी और टू किडनी बोल सकते हैं अब सिंगल किडनी ट्राइलॉब्ड होती है एक ही किडनी में तीन लॉब्स होते हैं एंड ये किडनी मैटाफ्रिक होती है रेट्रोपेरिटोनियल होती है मैटानिक का क्या मतलब है देखिये जितने भी ऑर्गन है ड्यूरिंग एस्ट्रुलेशन ये तीन चीजों से बनती है या तो एंडोडम से बनते हैं या फिर मीजोडम से या फिर एक्टोडम से अब ये जो किडनी है इट इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडम मीजोडम एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है एक ऐसी प्लेट है मीजोडम के अगर अगले हिस्से से किडनी डेवलप होती है दैट इज प्रो प्रोनेफ्रिक किडनी अगर बीच से डेवलप होती है देन इट इज एज मीजो नेफ्रिक किडनी और अगर मीजोडम के लास्ट वाले हिस्से से किडनी डेवलप होती है देन इट इज मेटा नेफ्रिक किडनी अब एस के केस में जो किडनी है वो डेवलप होती है मीजोडर्म के लास्ट रीजन से दैट इज वाई इसे बोला जाता है मेटानेफ्रिक किडनी अदर देन दिस किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल मतलब रेट्रो मतलब बिहाइंड बिहाइंड पेरिटोनियम किडनी प्रेजेंट होती है या फिर बिहाइंड एब्डोमिनल कैविटी किडनी प्रेजेंट होती है देन यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट होता है बर्ड्स में अगेन इनका जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट होता है यूरिक एसिड एक्सपेल होता है इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म अलॉन्ग विदेस सेमी सॉलिड फॉर्म में पैलेट्स में ये एक्सपेल होता है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेक्शुअल है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं सेक्शुअल डाइम देखी जाती है क्या सेक्सुअल डायमोर्फिज्म होती है जो मेल बर्ड्स होते हैं इनकी प्लमेज ब्राइटर होती है मेल प्लमेज इज ब्राइटर एज कंपेयर टू फीमेल व्हाट इज प्लमेज जो बॉडी के फैदर्स हैं उनको प्लमेज बोला जाता है तो मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्लमेज को ब्राइटर बना लेते हैं तो जो भी अगर सुंदर दिख रहे होंगे वो बर्ड्स मेल होंगे और जो थोड़ा कम सुंदर देखेंगे दैट इज फीमेल लाइक पीकॉक को देख लीजिए पीकॉक और पी हैन जो कॉक होता है दैट इज मेल एंड पी हैन इज फीमेल पीकॉक बहुत सुंदर होता है अट्रैक्टिव होता है ब्लू और वायलट येलो रेड से इसके फैदर्स होते हैं मिक्स मल्टी कलर फैदर्स होते हैं बट जो पी हैन होती है ये व्हाइट कलर की होती है या फिर कह लीजिए पेल येलो से होती है तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती नेक्स्ट इज मोनोगैमस मोस्टली मोनोगैमस का क्या मतलब है एक सीजन में या एक बार में एक फीमेल एक ही पार्टनर से मेट करती है मल्टीपल पार्टनर नहीं होते सो हैविंग सिंगल पार्टनर इज कॉल्ड एज मोनोगैमी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है एंड ओवी होती है फीमेल्स मतलब एग ले करती हैं

इट कैन बी निडी फ्यूगस और इट कैन बी यानी निडी फ्यूगस यानी प्रिकोशल ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है अब ये जो यंग है इसको पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है जैसे ये अंडे से बाहर आया ये अपने आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती ये होता है फाउल्स के केस में देन इज ऑल्ट्रीशियल या निडिक्यूलस इनको पेरेंटल केयर चाहिए होती है जैसे ही ये अंडे से बाहर निकले इनको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए अदरवाइज ये अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते देखिए जितने भी निडी बर्ड्स हैं मतलब जिनको पेरेंटल केयर चाहिए ये पेरेंटल केयर वो अपने दोनों पेरेंट्स से लेंगे मतलब मेल और फीमेल इक्वली उन दो उनकी केयर करेंगे सो बाय पेरेंटल केयर इज सीम नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स आर होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक मतलब गर्म खून वाले होते हैं जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बदल नहीं सकते एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर इनकी बॉडी का रहता है फ्लाई करने के लिए कुछ अडेप्टन ली हैं दे आर स्ट्रीमलाइन बॉडी बॉडी स्ट्रीमलाइन है टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन नेक्स्ट फोर लिम्स मॉडिफाइड टू विंग्स उड़ने के लिए विंग्स चाहिए वो बने हैं फोर लिम्स से नेक्स्ट इज वेल फ्लाइट मसल्स और वो फ्लाइट मसल्स हैं मेजर एंड न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं मतलब होलो बोन्स हैं ये किस लिए हैं बॉडी का वेट रिड्यूस करने के लिए एबसेंस ऑफ टीथ दैट इज इडेंट्यूलस एबसेंस ऑफ ब्लैडर राइट ओवरी ओवीडक एटसेट्रा टू रिड्यूस बॉडी वेट नेक्स्ट कील स्टर्नम स्टर्नम इज चेस्ट बोन अब जो चेस्ट बोन होती है नॉर्मली वो कुछ इस तरह से दिखती है बट अगर आ, हम बर्ड्स में देखें तो ये जो चेस्ट बोन है इसके बीच में से ट्राइंगुलर से बाहर एक बोन आ रही होगी इसको आपने थ्री डी में सोचना है बाहर की तरफ आ रही है ये तो ये अगर बाहर की तरफ ऐसे तिरछी सी बोन निकल रही है दिस विल बी कोल्ड एज कील ये किस लिए है स्ट्रीमलाइन को स्ट्रीमलाइनिंग को एनहैंस करने के लिए यह है मतलब एयर की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कील प्रेजेंट होती है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज विश बोन नेक्स्ट हाई मेटाबॉलिक रेट टू प्रोवाइड एनर्जी अब जो बर्ड्स हैं उनको हाई डिस्टेंस माइग्रेशन करना होता है या फिर बहुत देर तक इनको मूव करना होता है फ्लाइट लेनी होती है तो जितना ज्यादा मूव करना है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए अब ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हायर साइड पे होता है मतलब जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं बॉडी में वो फटाफट से चलते हैं जितना जल्दी वो रिएक्शंस चलेंगे उतनी जल्दी एनर्जी रिलीज होगी नेक्स्ट इज एयर सैक्स फॉर रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे फ्लाइट अडेप्टशन तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन इसकी पल्मोनरी है मतलब लंग्स से होती है तो जो इसकी लंग्स होती हैं वो भी कुछ मॉडिफाइड होती हैं ताकि ये ईजिली फ्लाई कर सकें अब ये मॉडिफिकेशन क्या है प्रेजेंस ऑफ एयर सेक्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लंग्स में अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे बैलून इजिली फ्लाई कर जाता है तो मतलब ये खोलो से स्ट्रक्चर होंगे जो रेस्पिरेशन में तो हेल्प कर ही रहे हैं बट बॉडी का वेट रिड्यूस कर रहे हैं विच हेल्प इन फ्लाइंग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तो बर्ड्स जो है इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया फायलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिप्रेटा सेक्शन तो माउथ जिसके पास जोज प्रेजेंट है दे आर ग्नेटोमेटा सुपर क्लास टेट्राफोडा टेट्रा फोर लिम्स, चार लिम्स होती हैं, दो फोर लिम्ब होती हैं और दो हाइंडलिम क्लास एवस अब ये जो क्लास एवस है इनको डिवाइड किया गया सब क्लास आरकिस एंड सब क्लास नियोरिथिस में एंड ये सब क्लास नियोरिथिस को फर्दर डिवाइड किया गया है इसके अंडर मतलब चार ऑर्डर आते हैं दे आर ओडोनटोगी पेलियोगी इम एंड नियोगनाथी दोबारा देख लीजिए क्लास एव्स थी इसके अंडर दो सब क्लासेस आती हैं आर्कियोनिथिस एंड नियोरिथिस नियोरिथिस सब क्लास के अंदर चार सुपर ऑर्डर आते हैं ओडोनटोगी पेलियोग्नेथी इम एंड नियोगनाथी अब इनको हम डिटेल में देखते हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं सब क्लास और मतलब प्रिमिटिव ऐसे प्रिमिटिव एंड जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वर्ड यूज करते हैं बर्ड्स के लिए अगर वर्ड आ जाए ओरिथो या ओरनीथी मीन्स बर्ड्स ओनिथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स तो आर्की आर एक्सटिंक्ट बर्ड्स इनके कैरेक्टर्स क्या थे रेप्टाइल जैसे थे रेप्टाइल लाइक बर्ड्स कैरेक्टराइज्ड बाय बर्� थेकोडोंटिस थेकोडोंट मतलब ऐसे टीथ जो कि जॉज में एम्बेडेड होते हैं क्लोज प्रेजेंट होते थे इनके पास फिंगर्स में लॉन्ग टेल थी हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स है उनके पास शॉर्ट टेल होती है बट इनके पास लॉन्ग टेल थी एंड स्टर्नम कीललेस थी एग्जांपल इज आर्किप्टेरिक्स इट इज फ्लाइंग लिजर्ड अब ये नहीं मिलते इट इज एक्सटिंक्शन नेक्स्ट इज नियोऑर्निथिस नियो मतलब न्यू ऑर्नीथी मतलब बर्ड्स नियोरिथीज इडेंटिवलस होते हैं मतलब इनके पास टीथ नहीं होते फिंगर्स विदाउट क्लोज होती हैं उनके पास क्लोज थी इनके पास क्लोज नहीं है नेक्स्ट नियोरिथीज के अंदर चार ऑर्डर्स आते हैं फर्स्ट इज ओडोंटोगनाथी अब ये जो ओडोंटोगनाथी के मेंबर्स हैं ये सब एक्सटिंक्ट है तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं पेलियोग्नेथी को विच इज ऑल्सो कोल्ड एज रेटिटी को और नियोगनाथी को तो so पहले देखते हैं पेलियोग्नेथी पेलियो मतलब ओल्ड ओल्डी वर्ड यूज करते हैं फॉर जो पेलियोग्नेथी के जो मेंबर्स हैं उनके जो विंग्स हैं दे आर वेस्टिजियल मतलब वो यूज नहीं करते हैं तो यूज नहीं करते तो वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड ड्यूरिंग एवोल्यूशन वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं कीललेस टर्नम पाई जाती है इनमें फैदर रिड्यूज टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर अब देखिए इनको उड़ना है नहीं अगर उड़ना नहीं है तो मतलब हेयर के फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करना तो कील भी नहीं पाई जाती फैदर जो है वो है इन, इनके पास बट वो रिड्यूस हो गए हैं हेयर है है लाइक स्ट्रक्चर में क्योंकि इनको उड़ना नहीं है इसलिए वो रिड्यूस हो गए हैं देन फ्री टेल वर्टिब्रे जो टेल रीजन है वहाँ पे जो वर्टिब्रे प्रेजेंट है वो फ्री है फ्यूज नहीं है अगर फ्यूज टेल वर्टिब्रे होते हैं तो उस फ्यूज टेल वर्टिब्रेक की वजह से एक ट्राइंगुलर प्लेट बन जाती है जिसको बोला जाता है पाइगो स्टाइल अब क्योंकि ये जो टेल वर्टिब्रे ये फ्यूज नहीं है तो ये ट्राइंगुलर प्लेट नहीं बन पाती सो वी विल से देर इज नो पाइगो स्टाइल नेक्स्ट आ जाते हैं इम पैनी पे इम पैनी केस में फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू पैडल्स और फ्लिपर्स मतलब यहां पर ऐसे बर्ड्स आएंगे जिनके पास फ्लिपर्स होते हैं या पैडल्स होते हैं जो चलते हैं

पाइगो स्टाइल नहीं होता नेक्स्ट इज न्योगी मतलब न्यू जॉज इनके पास वेल डेवलप्ड विंग्स होंगे अगर विंग्स हैं वेल डेवलप्ड उड़ेंगे ये उड़ेंगे तो मतलब इनमें स्टर्नम के पास कील भी प्रेजेंट होगा फेदर्स लार्ज होंगे एंड इनके जो टेल वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज होंगे फ्यूज होने के बाद वो एक सी बोन बना लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज पाइगो स्टाइल

नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स फर्स्ट इज यूजफुलनेस तो जो बर्ड्स हैं उनको फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बहुत सारे बर्ड्स एग्स प्रोवाइड करते हैं मीट प्रोवाइड करते हैं विच इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड पोल्ट्री मीट लाइक like वाइट मीट ये बहुत रिच होता है प्रोटीन्स वाइटमिन और फैट्स में अदर देन दैट बर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ फूड चेन नेचुरल स्केवेंजर हैं मतलब ये जो डेड एंड डिके मैटर होता है उसको फीड कर देते हैं तो मतलब एनवायरमेंट की सफाई करते हैं और नीथो कोरी करते हैं और नीथो मतलब बर्ड कोरी वर्ड यूज करते हैं सीड डिस्पर्जल के लिए सीड डिस्पर्जल सो डिस्पर्जल बाय द हेल्प ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज और नीथो कोरी देन और फिली और नीथो के लिए किया यूज एंड फिली वर्ड इज यूज फॉर पोलिनेशन तो पॉलीनेशन बाई देल्प ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज ऑनिथोफिली देन नेचर ब्यूटी का पार्ट नहीं है ये जो इनका फीकल मैटर होता है इट इज यूज फर्टिलाइजर देन ये बहुत सारे पेस्टेटर की, की तरह एक्ट करते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी इनको यूज किया जाता है अदर देन दैट मेडिसिन मेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं चेस्ट इन्फेक्शन की पैरालिटिक पेशेंट्स की मेडिसिन बनाने में इनका यूज किया जाता है इनके जो बॉडी के प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है तो ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस होगी रिक्रिएशनल इम्पोर्टेंस बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनको गेम बर्ड्स की फॉर्म में यूज किया जाता है लाइक पीकॉक डांसिंग देन कोक फाइटिंग तो ये सारी हो गई गेम्स जिनमें बर्ड्स को यूज किया जाता है देन बर्ड हंटिंग की की जाती है सॉन्ग बर्ड्स बुलबुल इज अ वेरी कॉमन सॉन्ग बर्ड देन फेदर्स आर यूज्ड इन डेकोरेशन पर्पजेस। नेक्स्ट इज हार्मफुलनेस अब देखिए कई ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए तो यूज किए जाते हैं बट अगर ये एक्सेस में खाने लग जाएंगे आ, चीजों को इम्पोर्टेंट जोजम है उनको खाने लग जाएंगे या फिर क्रॉप को खाने लग जाएंगे तो ये डैमेज कॉज करते हैं एग्रीकल्चर में डैमेज टू पोल्ट्री डैमेज पोल्ट्री बर्ड्स एग्जाम्पल आउल होक्स अटैक एंड किल पोल्ट्री बर्ड्स ये जो बर्ड्स है, हैं so again, ये पोल्ट्री बर्ड्स को डैमेज कर देते हैं तो अगेन ये हार्मफुल है लॉस टू फिश इंडस्ट्री बाय मेनी पिस्सी बर्ड्स कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फिशेस को खाते हैं तो फिश इंडस्ट्रीज को भी लॉस हो रहा है स्प्रेड डिजीजेस देन पिजन्स आर इन्वेसिव स्पीशीज इन्वेसिव स्पीशीज मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया के एक्चुअल में नहीं होते जहां वो रहते हैं तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पे पहले वो पिजन्स रहते नहीं थे बट वहां पे आकर रहने लग गए हैं तो वहां पे रहने के बाद वो बहुत बिल्डिंग्स uh, में रहने के बाद वहां पे गंदगी मचाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसिज uh, लग जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए सो दे आर इन्वेसिव स्पीशीज मतलब वो हमारे जो नए एन्वायरमेंट में आके रहने लगे हैं उस एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स बर्ड्स के बारे में हमने अभी तक देखा कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास यूरिनरी ब्लैडर एबसेंट होता है बट सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है दैट इज रिया अमेरिकना इसको कॉमनली बोला जाता है अमेरिकन रिया नेक्स्ट डोडो डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि मॉरीशियस से एक्सटिंक्ट हो गई मॉरीशियस रीजन में इसको अः मीट खाने के लिए इसका इसको यूज किया जाता था और ये माना जाता है कि इसका मीट इतना टेस्टी होता था कि लोगों ने इसको बहुत जल्दी जल्दी इसकी हंटिंग की और इसको खा गए तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो गई थी हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ वर्ल्ड, सन बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, टर्न ये एक ऐसा बर्ड है जो कि सबसे ज्यादा लंबी माइग्रेशन करता है चालीस हजार किलोमीटर एक साल में माइग्रेशन करता है कॉमन किंग फिशर इट हैज स्पेशल विजुअल अडेप्टेशन टू सी अंडर वॉटर